What do you think about the Supreme Court's decision ordering a floor test? It's a constitution day today. I think, you know, we all feel it's a good decision. But our leaders would speak about it. Thank you. Rohit, are you happy? We all would be happy tomorrow when the floor test would happen and, you know, we would form the government. Rohit, you are trying to get Ajit Pawar back. Rohit, आपको लगता है कि All right, so that's Rohit Pawar, another air in line, really, as far as the NCP is concerned. Once again saying that they're going to be able to form the numbers, but not really saying much. He's saying senior party leaders will be speaking on it. Let's go across to Gaurav now. He's outside Trident. Now, interestingly, NCP continues to try to placate Ajit Pawar, Gaurav. They've been, several of the leaders have openly been meeting him, asking him to come back to party line. He's meeting Devendra Fadnavis right now. But last night, you know, he was at the Trident where you are, from where he left just now as well. And Supriya Sule and Sharad Pawar were also seen at the Trident. हाँ ये बात सही है कि अजीत पवार यहाँ पहुँचे थे और बताया जा रहा है कि क्योंकि ट्राइडेंट और ओबेरॉय दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं तो अजीत पवार घुसे तो ट्राइडेंट से थे, निकले वो ओबेरॉय होटल से थे और ओबेरॉय में वो बीजेपी के किसी बड़े नेता से मिले। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या रणनीतिक तैयारियां जो हैं वो बीजेपी के साथ एनसीपी का धड़ा जो अजीत पवार के साथ है वो कर रहा है। उसी वजह से बताया जा रहा है कि मीटिंग करी जा रही है। मनाने का सिलसिला एक अलग खबर है और साथ ही में ये भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि कैसे अजीत पवार अब उनके लिए जरूरी संख्या लेकर आते हैं क्योंकि अब कल फ्लोर टेस्ट का दिन आ ही गया है। तो इस सब में ये सबसे लास्ट टाइम प्रिपरेशन जो है वो हो रही है और सबसे बड़ी कोशिश यही हो रही है कि जब शरद पवार एक तरफ ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ सारे MLAs हैं, 54 MLAs का सिग्नेचर वाला लेटर बाहर आया है, तो ऐसे में अजीत पवार के पास क्या है, ये एक बड़ी समझने वाली बात है और पर्दे के पीछे जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस यही वजह है कि बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट होकर फिलहाल लगातार कह रही है कि वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाएगी। अब ये देखने वाली होगी, अजीत पवार यहाँ से तकरीबन एक से सवा घंटे पहले यहाँ से निकल गए और चुपचाप, बेहद चुपचाप तरीके से उन्होंने ट्राइडेंट से एंट्री ली और ओबेरॉय से वो यहाँ से बाहर निकल गए। तो सवाल यही है कि इस मीटिंग का के पीछे क्या उद्देश्य था, किससे मिले, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता से मिले जो कि दिल्ली से आए थे और इसी वजह से वो ये चाहते थे बताना यहाँ पर आकर कि किस तरीके से अजीत पवार अब जो उन्होंने एक समर्थन का पत्र जो है वो शपथ के वक्त जो है दिया था वो कितना सही है, उसमें से कितने नंबर्स उनके पास हैं और अब उसी मुलाकात के एक निष्कर्ष को लेकर वो लोग जो है वो CM बंगलों वर्षों पहुंचे हैं और वहाँ पर आगे की मीटिंग निकाल दिया है। वो अपने लॉयर्स वगैरह से भी मिलते रहे हैं, क्या उनके आसपास के सोर्सेज से कुछ पता चल रहा है, क्या वो कंटेस्ट करेंगे कि उनको रिमूव नहीं किया जा सकता, कि वो ही लेजिस्लेटिव पार्टी के हेड है और उनका ही व्हिप चलेगा? ये फैसला माना जा रहा है कि हो सकता है कि कल आज शाम तक प्रोटर्म स्पीकर चुने जाने के बाद ये इस बात को तय किया जाए क्योंकि इसमें कुछ संवैधानिक पेचीदियां हैं और उन पेचीदियों को ध्यान में रखकर अब जो भी अंतरिम अध्यक्ष होंगे, इंटरिम स्पीकर या प्रोटर्म स्पीकर होंगे, वो तय करेंगे कि आखिर CLP का जो लीडर है वो किसे माना जाएगा। क्योंकि माना यह जा रहा है कि विधायक तय करते हैं कि लीडर कौन होना चाहिए, हालांकि NCP ने ये लेटर तो दिया है लेकिन क्या जो उनका लीगल स्टैंड था अजीत पवार का वो पार्टी से निकाले के जाने के वक्त बसता था, क्योंकि जब पार्टी से अजीत पवार को निकाला गया उससे पहले उन्हें CLP लीडर से हटाया गया। ऐसे में जब वो CLP लीडर से हटाए जा रहे थे तो उस वक्त तक वो पार्टी में थे, तो इसमें क्या लीगल स्टैंड होगा, ये जाहिर तौर पर ये बात जो है वो जाएगी प्रोटेम स्पीकर के पास और वो फैसला लेंगे। हालांकि NCP अपने आप कह दिया कि उनकी तरफ से जयंत पाटिल होंगे, लेकिन ये एक बड़ा पेच रहेगा व्हिप जारी करने को लेकर, क्योंकि जो व्हिप जारी करेगा उसी के हिसाब से वोटिंग होनी, उसी के हिसाब से सब कुछ आगे होना और वहीं उसी पर निर्भर करेगा कि फ्लोर टेस्ट का भविष्य क्या रहने वाला है। And of course, we'll also know the future of the Devendra Fadnavis and Ajit Pawar combined, whether they're able to stay in government after taking the oath in that dramatic fashion on Saturday morning. They'll have to prove the numbers now at 5 p.m. tomorrow in Maharashtra Assembly. I do thank all of our colleagues for joining us. Let's also listen into some of the top reactions we've been tracking post the Supreme Court order.